तो मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे नीलेश जैन कोटा में, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट करवाई, सारा काम करवा लिया, पूरा दिखवा लिया। मैंने कहा भाई साहब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, तो आप तो मुझे दवाई दे दो। उन्होंने कहा भाई साहब दवाई से काम नहीं चलेगा, मस्ट ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा यार ऑपरेशन तो मेरा मेरे को मन में नहीं है, मैंने घुट दिया सब प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मैं तो आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हो, और आप जानो नहीं जानो मेरे को तो आपसे किसी भी तरीके से ठीक करनी है, मेरा तो ऑपरेशन करने का मन नहीं बिल्कुल। तो मैं होम्योपैथिक जाके थोड़ी बहुत दवाई वाई लिया यार, मैंने ये प्रार्थना करते ही भाई साहब चीज लगी कि प्रॉपरली योगिक योगिक मूवमेंट होना चाहिए, उस वक्त का ऑटोमेटिक मूवमेंट चालू हो गया। और मूवमेंट होने के बाद में मतलब धीरे 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 दवाई में होम्योपैथी लेता रहा वाली, क्योंकि दवाई से मुझे कोई नुकसान नहीं था। एलोपैथी में जानते खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, कोई क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। ऐसे 1-2 साल तक मैं उसको लेता रहा। उसको लेने के बाद में मैंने प्रोस्टेट के नाम से वो मूवमेंट चलते रहे, सारा काम चलता रहा। और आज 2016 से 2017 अच्छा डॉक्टर ने कहा था कि मतलब 2015 में दिखाया मैंने, दिसंबर में, अगस्त से उसने ड्यूटी दी थी कि अगस्त में 15 अगस्त डेट 4 अगस्त का लगभग दिनांक दी थी कि 4 अगस्त को आप रेड रहेगा आपका और वहां पे आप ऑपरेशन कराना है। अब वो जो तो दिन आए मेरा दिमाग खेगा बता, मैंने प्रभु आप ही बचाओ। अब आप कहते हो, मैंने कहा प्रभु को दानव भी अंदर बैठा है और देव भी अंदर बैठा है, तो मैंने देवता चेतन करने के लिए मंत्री छाप कर आपका खूब मिलेगा, जैसे भी कराओ आप प्रभु मुझे, आपने दिन रात जगाओ, दिन रात कुछ भी करो, मैं दिन रात जगने के लिए तैयार हूँ, आप कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे तो इस मिशन में ही ठीक होना है। तो मेरे मन के अंदर बहुत संतुष्टि रहेगी कि हाँ मेरे मिशन के अंदर सब चीज संभव है। तो भाई साहब वो आज का दिन है, और वो न तो ऑपरेशन करवाया मैंने, न कुछ करवाया, पेशाब भी आराम से बढ़िया आने लग गया और ठीक ठाक आराम से जिंदगी चल गई। मतलब दोबारा भी टेस्ट करवाया था मैंने पिछले साल, तो डॉक्टर को दिखाया था मैंने यहाँ पे चित्तौड़ा जी को, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके हाँ MDC ये चित्तौड़ा पीछे महावीनगर में आर्यपुरम में, उनको दिखाया, उन्होंने कहा आपके प्रोस्टेट नॉर्मल है, जैसे अमूमन आदमियों के होता है ना वैसा है, और आपको कोई प्रॉब्लम है कि? मैंने भाई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहा ये जो आपकी जो जितनी इसकी मात्रा आई है वो अमूमन सब आदमी को होता है, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।